हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वीआरएफ सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वीआरएफ एंड वीआरपी सिस्टम, ठीक है, और टाइप्स ऑफ, हम लोग वीआरएफ जानेंगे, टाइप्स ऑफ वीआरएफ कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। दूसरा, हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ वीआरएफ एंड बेसिक रेफ्रेशन साइकिल ऑफ वीआरएफ एंड वीआरपी सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं वीआरएफ एंड वीआरपी सिस्टम ये है क्या। तो वीआरएफ एंड वीआरपी दोनों सेम चीज है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम का डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या है, डेकिन कंपनी ने 1982 में अपना वीआरपी सिस्टम को लॉन्च किया, ठीक है, और इस नाम से इसको पेटेंट कर लिया, जिसके जरिए बाकी जितना भी कंपनियां हैं, सैमसंग हो गया, हिटाची हो गया, अदरवाइज एलजी है, वोल्टास है, कैरियर है, जो भी कंपनी अपना मैन्युफैक्चर करती है इसी का, तो वो जो है इस सिस्टम को वीआरएफ के नाम से सेल करती है। अदरवाइज दोनों का जो वर्किंग है वो सेम ही है। वीआरएफ का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे कि वीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीआरएफ का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, और वीआरपी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। दोनों का वर्किंग एक ही है, ये चीज आपको माइंड में रखना है। और ये वीआरपी सिस्टम है क्या, तो वीआरपी सिस्टम ये है कि सिंगल आउटडोर यूनिट रहेगा और इससे हम लोग मल्टीपल इंडोर यूनिट का कनेक्शन करते हैं। तो हम आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं ब्लॉक डायग्राम में किस तरह से क्या है। ये हमारा आप देख रहे हैं, जैसा कि एक आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट का हमने एक ड्रॉइंग बनाया, और ये हमारा मल्टीपल इंडोर यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें मोस्टली 410A रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, 407C, और दूसरा इसमें एस्ट्रोल कंप्रेसर आपको देखने को मिलेगा, इन्वर्टर टाइप और नॉन इन्वर्टर टाइप दोनों आता है। तो ज्यादातर इन्वर्टर टाइप हमको एसी इसमें मिलता है। तो अभी जो इंडोर यूनिट हम लोग कितना इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, 60 से ज्यादा हम लोग इंडोर यूनिट का कनेक्शन कर सकते हैं सिंगल आउटडोर यूनिट रहने के बाद, उसके हिसाब से उसका कैपेसिटी रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कम एचपी का लगाएं, और दूसरी बात कि इसको जो मेजर करते हैं हम लोग एचपी में मेजर करते हैं, हॉर्स पावर में, बाकी अदरवाइज जो हम लोग एसी स्प्लिट हो गया, चिलर पैकेज, ये सब हम लोग क्या मेजर करते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, टन में करते हैं, लेकिन इसको एचपी में करते हैं। और इसको एचपी से टन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका एक वीडियो हमारा अपलोड है, ठीक है, तो उस वीडियो का आप लोग देखें। तभी हम यहां पर आपको बताते हैं, और इसका पाइपिंग का जो लेंथ है, कम से कम 150 मीटर तक हम लोग पाइपिंग का लेंथ कर सकते हैं, 150 मीटर तक हम लोग इसका पाइपिंग का लेंथ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल हम लोग स्प्लिट एसी में 15 मीटर तक ही हम लोग उसका पाइपिंग का कनेक्शन करते हैं, लेकिन इसमें 150 मीटर तक कर सकते हैं। अब करने के लिए 15 मीटर से ज्यादा 20 मीटर आप स्पीड एसी में कर दीजिए, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस है वो 15 मीटर तक ही आपको मिलेगा। आप 20 मीटर 30 मीटर कर देंगे तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, इसलिए जो हम लोग का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से हम लोग ये करते हैं। बाकी एरिया के हिसाब से जहां पे आप जाएंगे उस हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको कम ज्यादा करते हैं। तो हम इसके बारे में जानते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल इंडोर यूनिट में सब डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग इंडोर यूनिट को यूज कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ वीआरएफ सिस्टम में पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेलिंग कंसील्ड वॉल माउंटेड टाइप एसी, स्प्लिट टाइप, फ्लोर माउंटेड कंसील्ड, अब कूलिंग एसिड एसी, इस तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंस टाइप का। और एक चीज और है कि अगर रूम के हिसाब से मान लीजिए आपने इसको एक टन का लगाया, छोटा रूम है आपने एक टन के लगाया, दूसरा वॉल माउंटेड एसी जो है इसको आप दो टन का भी लगा सकते हैं, इसको स्प्लिट टाइप है इसको डेढ़ टन का लगा सकते हैं। तो आप अपना जरूरत के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है रूम का उस हिसाब से आप इसको फिक्स कर सकते हैं, डिफरेंस डिफरेंस वैल्यू का आप जो है आप इंडोर यूनिट को आप लगा सकते हैं, ये चीज आपको वीआरएफ सिस्टम में आपको मिलेगा। तो हम लोग जानेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑफ वीआरएफ एंड वीआरपी सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ड्रॉइंग हम बनाए हैं, यहाँ पर ये एक्यूमुलेटर है, इसका क्या काम है, इन्वर्टर कंप्रेसर है और नॉर्मल कंप्रेसर है। अपना ये वीआरएफ सिस्टम में एक से ज्यादा कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं, और फिलहाल तो मेरे एक दोस्त बता रहा था कि अभी सिंगल कंप्रेसर भी आ रहा है। तो कंपनी हमेशा अपने आप को मॉडिफाई करते रहती है, अपडेट करते रहती है, तो वो जरूरत के हिसाब से अगर सिंगल कंप्रेसर है, फंक्शन सबका सेम ही रहेगा, बस एक पार्ट को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो बाकी चीज वही वर्क करेगा। तो हम आपको दो कंप्रेसर का आपको यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर है और ये हमारा नॉर्मल कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है कि ये वीएफडी के हिसाब से रन करता है, ठीक है ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल
फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उसके हिसाब से क्या कहते हैं ये रन करता है, जरूरत के हिसाब से अपना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जरूरत के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को घटा देता है जैसा जैसा सिस्टम के लोड पड़ा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर है, यहां पर ऑयल सेपरेटर है, ठीक है, ये एक्यूमुलेटर है, और यहां पर मल्टीपल क्या कहते हैं एवापोरेटर्स दिया हुआ है, इंडोर यूनिट है। ओके, अब एक से ज्यादा रहता है तो यहाँ पर चार एग्जाम्पल के ले लिए हैं। ये हमारा कंडेंसर है। तो साइकिल कैसे काम करता है हमारा, ये यहां से क्या कहते हैं डिस्चार्ज लाइन जो यहां से निकला तो सबसे पहले कहां जाएगा, ऑयल सेपरेटर में जाएगा, ठीक है, ऑयल सेपरेटर से होते हुए हमारा कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर के बाद जो लाइन निकलता है अपना लिक्विड लाइन वो कहां आता है एक्सपेंशन डिवाइस में। तो ये एक्सपेंशन डिवाइस हमारा ईईवी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन भल बोले या डिवाइस बोले दोनों सेम चीज है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस में आया, उसके बाद यहां पर एक सिंगल लाइन आएगा, वो सब का जितना भी आउट निकलेगा अपना एवोपरेटर के बाद जो अपना सक्शन लाइन निकलेगा वो सबको एक साथ में कनेक्ट कर देगा, और एक साथ कनेक्ट करने के बाद क्या है वो पूरा लाइन हमारा एक्यूमुलेटर में आता है। जैसा आप देख रहे हैं ना ड्राइंग में यहाँ पर बनाया है, सब अपना एक्सपेंशन डिवाइस यहाँ पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस। अभी ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस कैसे काम करता है, ये यहाँ पर एक थर्मिस्टर लगा हुआ रहता है इसके एवोपरेटर पाइप के ऊपर, और सिस्टम के ऊपर जितना लोड है, मान लीजिए ये सिस्टम में आदमी जिस रूम में ये लगाया हुआ है उस रूम में आदमी नहीं है या उसको ठंडा कम चाहिए, इसको ठंडा ज्यादा चाहिए दो नंबर वाले का, तो इसको क्या कहते हैं कमांड मिलता है थर्मिस्टर के जरिए कि इसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस क्या है कि ज्यादा रेफ्रिजरेंट को उसके रूम में फ्लो कराता है, वो क्वाइल जो रहेगा उसमें ज्यादा फ्लो कराएगा। उसी तरह से हमारा जो ये देख रहे हैं फर्स्ट वाला है, इसमें अगर कम डिमांड है तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम आएगा, और ये जो है सीधे कम्युनिकेशन किधर जाएगा, आउटडोर यूनिट के पास कम्युनिकेशन जाएगा, और आउटडोर यूनिट में क्या हमारा वीएफडी के जरिए हमारा कंप्रेसर जो है इन्वर्टर कंप्रेसर को कमांड जाएगा एज ए टाइम में, ये सब कम्युनिकेशन केबल से कनेक्टेड रहता है, इन्वर्टर कंप्रेसर को कमांड जाएगा तो वो अपना फ्रीक्वेंसी जो है कम कर देगा, वीएफडी के जरिए फ्रीक्वेंसी जो है कम कर देगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो है बिजली का बचत है, इसलिए आजकल इस सिस्टम को बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी यहां से हमारा क्या है रेफ्रिजरेंट सब हो करके वापिस हमारा एक्यूमुलेटर में आया। एक्यूमुलेटर में आप यहाँ पर फंक्शन देख रहे हैं कि अभी अभी अपना सिस्टम कभी लोड में है, अनलोड में है, कभी नहीं है, तो क्या है रेफ्रिजरेंट बॉयलर नहीं हो पाता है हमेशा। तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा वो हमारा एक्यूमुलेटर लगाने का फायदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा कंप्रेसर सेफ रहेगा। यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है नीचे में सब रुक जाता है, स्टे हो जाता है, और जो वेपर रेफ्रिजरेंट है ये ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है। ये हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है और ये वेपर जो है हमारा इधर में है। तो ये वेपर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये हमारा सक्शन लाइन है, ये क्या है वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर सक करेगा और सक करके इसको डिस्चार्ज करेगा। तो आपको हम बताते चले कि ऑयल सेपरेटर देने का रीजन एक और है कि पाइपिंग का इसका लेंथ जो है बहुत लंबा होता है। आपको जैसे हम बताया कि इसमें हम लोग 150 मीटर तक पाइपिंग कर देंगे, तो इसमें क्या है कि इतना लंबा पाइप कनेक्शन होने से बीच में इसके साथ जब डिस्चार्ज होता है तो थोड़ा कुछ ऑयल भी जाता है। तो अगर ऑयल सेपरेटर नहीं डाला रहेगा तो बीच में रेफ्रिजरेंट पाइप में ही रुक जाएगा बहुत दूर तक जाते जाते, तो ऑयल का लेवल कम हो जाएगा, बाद में कंप्रेसर आपका मैकेनिकल डिवाइस अच्छा से वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम आएगा कंप्रेसर का। तो ऑयल सेपरेटर देने का फायदा यह है कि जो भी यहां से डिस्चार्ज होता है इसके साथ जो ऑयल आता है वो यहाँ ऑयल सेपरेटर में जमा हो जाता है, और उसके बाद यहां से एक लाइन निकाल करके उसके बाद कंप्रेसर का नीचे में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है जहां पे ऑयल रहता है वहां पे इसको वापिस आ जाता है, इससे जो भी ऑयल जाएगा वापिस यहां से रिटर्न हो जाएगा कंप्रेसर में। तो ये प्रक्रिया हमारा कंटिन्यू ऐसे चलते रहता है। सेम हमारा नॉर्मल कंप्रेसर इधर में है, उसका भी वही काम है, हो सकता है दोनों इन्वर्टर कंप्रेसर भी डाल दे, सिस्टम के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड है किस तरह का उसमें इंस्टॉल किया है, लेकिन जो है नॉर्मल कंप्रेसर और एक इन्वर्टर कंप्रेसर का हम यहाँ पर एग्जाम्पल डाले हैं। इसका भी वही है सेम, इसमें जो कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट सक करेगा वो वेपर कंडीशन में सक करेगा, ऑयल सेपरेटर यहाँ से डाला हुआ है वापिस यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या है कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में क्या काम होता है आपको मालूम है, रेफ्रिजरेंट जो है उसको जो डिस्चार्ज प्रेशर से जो रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर कंडीशन में आ रहा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीट वेपर का जो रेफ्रिजरेंट हमारा आ रहा है उसको क्या करता है लो प्रेशर में कन्वर्ट कर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सब कुछ लिक्विड में इसको कन्वर्ट करता है,
लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस के पास आता है, तो जितना भी वहां पे ब्रांच निकला हुआ रहेगा अपना इसका ये इंडोर यूनिट का, उस हिसाब से उसमें रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा। तो ये था हमारा बेसिकली आज का ये साइकिल। थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ, क्या टाइप्स ऑफ बीआरएफ बच गए, ब्लॉक डायग्राम आपको बता दिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल बता दिया। अब टाइप्स ऑफ बीआरएफ में क्या है, ये कूलिंग टाइप बीआरएफ एंड हीट पंप बीआरएफ एंड हीट रिकवरी बीआरएफ। अभी क्या है, एक तरह से इस चीज को अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे आप एक मोबाइल को ले सकते हैं, ठीक है। मोबाइल हमारे पास पहले मान लीजिए एक एप्पल फोन है, आईफोन है, आईफोन एक सिंपल आया, बाद में उसको क्या किया, आईफोन 10 किया, 11 किया, प्रो मैक्स, उसमें क्या किया उसने कि जो हमारा रैम था 4GB रैम था तो उसको 8GB रैम कर दिया, ठीक है, 8GB रैम वाले को 10GB रैम कर दिया, जो भी है अपना कैमरा का जो ये था मेगापिक्सल था उसको बढ़ा दिया। तो कुछ ना कुछ अपडेट करने के बाद सिस्टम को और इजी करता है और स्टैंडर्ड बनाता है। उसी तरह से हमारा बीआरएफ सिस्टम भी जो है इसको भी क्या कहते हैं, बहुत सारा ये में अपडेट किया गया है, और इंजीनियर लोग हमेशा काम करते रहते हैं सब एसी पे। तो ऐसा नहीं कि अगर हम आपको इसमें बताए हैं इतना यहाँ पे जो कुछ, तो हो सकता है बाद में कुछ इसमें और चेंजेस भी करें, बट साइकिल सब कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन कुछ चेंजेस करेगा, क्यों, हमेशा इसपे कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। तो सबसे पहला है कूलिंग टाइप ऑफ बीआरएफ। ये सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग कूलिंग मिल सकता है, आउटडोर यूनिट जितना आप इंडोर यूनिट कनेक्शन किए हैं, 20 किए हैं, 10 किए हैं, जो भी कनेक्शन किए हैं, वो सब का सब हम लोग कूलिंग पर्पस यूज कर सकते हैं गर्मी के दिनों में, उसमें हम लोग ऑप्शन हीट का नहीं है। दूसरा हमारा क्या है, हीट पंप बीआरएफ। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको 20 इंडोर यूनिट लगाए हैं, एक आउटडोर यूनिट है सिंगल है उसका, तो 20 इंडोर यूनिट में क्या है कि या तो आप 20 को हीट मोड में भी चला सकते हैं, ठंडा के दिनों में आप यूज कर सकते हैं पूरा हीटिंग मोड में, और दूसरा चाहे तो आप कूलिंग मोड में यूज कर सकते हैं, मतलब एक टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ या तो हीट ले सकते हैं या तो कूल ले सकते हैं। ये हमारा हीट पंप बीआरएफ सिस्टम में आता है। थर्ड हमारा क्या है, हीट रिकवरी बीआरएफ। ये सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 20 अगर इंडोर यूनिट लगाए हैं, तो हम चाहें तो 5 इंडोर यूनिट को हीट ले सकते हैं और 5 इंडोर यूनिट को कूलिंग मोड में हम लोग चला सकते हैं उस चीज को। तो ये सबका पाइपिंग कनेक्शन और इसका डायग्राम जो भी है इसका हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट को वीडियो को जरूर देखें, और सीरीज वाइज आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें, इस तरह से इसका फुल वायरिंग कनेक्शन एंड अपना पाइपिंग कनेक्शन, तो ये सब हम आपको बताएंगे कैसे होता है, ब्लॉक डायग्राम एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल ये सब का हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।